हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस अध्ययन होप यू ऑल आर गुड सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन चैप्टर फोर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड द टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड्स सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स नाउ स्टार्ट द वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न वाटर फंक्शनल ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज और फंक्शंस तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं ये ऐसे एटम्स के ग्रुप होते हैं जो कि कार्बन कंपाउंड या फिर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्टिव बनाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी और फंक्शन को डिसाइड करते हैं यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं जैसे कि यहाँ पर क्लोरो और ब्रोमो दिया गया है उसी तरह से एक सी ग्रुप होता है उसी तरह से एक ओ एच ग्रुप है और नेक्स्ट क्या है सी ओ ओ एच ग्रुप तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे तो अब हम यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं तो फंक्शनल ग्रुप्स की सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है दे आर हीट्रो एटम्स तो ये हीटरों का क्या मतलब होता है कि जो है, ये जो एटम्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं यानी कि अगर यहाँ पे हमने सी एच ओ ले रखा है तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं तो इस तरह के जो फंक्शन ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं इन्हें हिट्रो एटम्स कहा जाता है नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप्स क्या करते हैं इट मेक कंपाउंड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन चेन तो हाइड्रोकार्बन अगर एक ही चेन हम बना लेते हैं तो इस चैन में जो ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं एक हाइड्रोजन एटम या फिर कोई भी एटम जो कार्बन से अटैच्ड है उसको रिप्लेस करके खुद अटैच्ड हो जाते हैं और इस तरह से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके साथ ये कंपाउंड बना लेते हैं अब हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं तो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दिया गया है वो दिया गया है सी ओ ओ एच जिसे क्या बोला जाता है इसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोला जाता है तो यहाँ पर प्रोपेन का एग्जाम्पल लिया गया है तो पता है हमको कि प्रोपेन में कितने आइटम्स होते हैं कार्बन के थ्री आइटम्स होते हैं वहीं पर हम ये भी जानते हैं कि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है टू फोर यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फ़ोर हैं तो कार्बन क्या करता है ये किसी भी एटम्स के फोर इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोविलेंटली बॉन्डेड हो जाता है जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कार्बन को गेन हो जाती है तो यह, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन जो है इसके चारों ओर जो है ये फोर जो है ये कोवलेंटली बॉन्ड हो गया है एक इधर कार्बन है एक इधर हाइड्रोजन एक इधर हाइड्रोजन एक यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हमने ये भी देखा कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं एक हाइड्रोजन एटम को निकाल करके खुद ही अटैच हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन जो है वो बाहर हट जाएगा और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है वो इस प्रोपेन के साथ अटैच हो जाएगा और जो न्यू कंपाउंड बन करके आएगा वो आएगा प्रोपेनोइक एसिड तो इसका जो नेम है वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से इनकी नेमिंग होती है जिसे आई यू पी एस सी नेमिंग बोला जाता है तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो किस तरह से कंपाउंड बनाता है इसे हमने अभी स्टडी किया नेक्स्ट ग्रुप है ओ एच ग्रुप जिसे अल्कोहल ग्रुप कहा जाता है तो यहाँ पर ब्यूटेन का एग्जाम्पल लिया गया है तो ब्यूटेन में जो कार्बन के नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं फोर होते हैं तो यहाँ पर जो है ओ OH एच जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल करके खुद ही अटेस्ट हो रहा है तो इस तरह से जो यहाँ पर न्यू कंपाउंड बन करके आएगा वो आएगा ब्यूटेनॉल नेक्स्ट ग्रुप है हमारा सी एच ओ ग्रुप जिसे क्या बोला जाता है एल डी ग्रुप कहा जाता है यहाँ पर मिथेन का एग्जाम्पल ले रखा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और ये सी एच ओ ग्रुप यहाँ पे अटेस्ट हो जाएगा और न्यू कंपाउंड बन करके आ जाएगा एसिट डी नेक्स्ट ग्रुप है हमारा कीटोन ग्रुप जिसे क्या बोला जाता है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप तो यहाँ पर यहाँ पर एक कंपाउंड दे रखा है प्रोपेन का तो ये जो है कीटोन जो है यहाँ पर अटेस्ट हो गया दो मिथाइल ग्रुप के साथ में और जो न्यू कंपाउंड बन करके आएगा प्रोपेन आएगा तो नेक्स्ट है, ग्रुप है हेलो फॉर्म्स ग्रुप तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं जितने भी हेलोजन गैसेस होती हैं वो हेलोफॉर्म्स में आते हैं जैसे कि यहाँ पे क्लोरो और ब्रोमो लिया गया है और यहाँ पर इथेन का एग्जाम्पल ले रखा है तो यहाँ से जो है ये हाइड्रोजन जो एटम्स है उसको रिप्लेस करके जो ये क्लोरो जो ये फॉर्म है यहाँ पर अटैस्ट हो रहा है और इथेन से जो न्यू कंपाउंड बन करके आ रहा है वो आ रहा है इथाइल क्लोराइड तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो कार्बन जो कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है उसके साथ अटैस्ट होते हैं तो आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक